हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे शाम के 4 बज गए हैं और कपड़ों में फोल्ड लगा रही हूँ मैं। और खुशी और ऋषभ जो है सोए हैं, ऋषभ उठ गया है, टैब लेके बैठा है उधर। तो थोड़ी देर देखने दूंगी टैब उसको और फिर बाद में टैब ले लूँगी उसके पास से और खुशी को भी उठा लूँगी। दोपहर में सोती है खुशी, शाम में रात में जागती है पढ़ाई के लिए, तो दोपहर में वो सोती है। और क्या है ना, रात में ही पढ़ाई उसकी अच्छे से होती है क्योंकि दिन में ना डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऋषभ भाई घर में छोटा सा, तो उसको जैसे क्या है, वो दिन भर ना खेलता रहता है, उसके साथ खेलना भी पड़ता है, तो दिन भर उसकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो रात में अच्छे से पढ़ाई हो पाती है उसकी। दिन में क्या, अभी तो 1 बजे स्कूल में से कॉलेज में से आ रही है वो, और फिर 1-2 घंटे तो ऐसे ही चल जाती है उसकी, खाना पीना, फिर थोड़ा सा टैब वगैरह देखती है, बाद में ऋषभ आ जाता है, तो फिर पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है दिन में उसकी। शाम में फिर जो 7 बजे से बैठती है ना, फिर वो तो 7 बजे से तो 12-1 बजे तक पढ़ाई करती है, 7 साढ़े 7 से बैठ जाती है। और उससे भी सोता नहीं है दिन में, बस अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उसको सुला रही हूँ। और ना दोपहर की आदत टूट गई उसकी सोने की, तो ठीक ही है अभी क्योंकि स्कूल में जा रहा है वो, तो फिर स्कूल में नींद आएगी उसको, तो इस वजह से फिर मैं भी ज़्यादातर सुला नहीं रही हूँ उसको दोपहर में, बस अभी तबीयत की वजह से सुलाया मैंने उसको। तो चलिए अब उसके पास से टैब ले लेती हूँ, नहीं तो जब तक मैं नहीं लूँगी ना उसके पास से टैब, तो वो टैब देखता ही रहेगा, छोड़ता नहीं है टैब। कुछ भी लेता है ना वो, मोबाइल टैब कुछ भी लेगा ना वो, तो वो दिल से छोड़ता नहीं है वो। जब उसके पास से लेंगे ना, तब पहली बार जाने का, फिर बोलेगा कि वो मम्मी 5 मिनट, फिर 5 मिनट के बाद जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद देता है टैब वो, एक एक बार में तो देता भी नहीं है। ऋषभ की क्या बोलूँ मैं, सभी बच्चे आजकल कैसे ही कर रहे हैं, जितने भी मैं बच्चे जानती हूँ ना, तो बस सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं, बस मोबाइल टैब, इसके सिवा तो खाना भी नहीं खाएंगे। बहुत परेशानी होगी बच्चों की ये वाली चीज़ की, ये तो बहुत चिंता का विषय हो गया है हर माँ बाप के लिए, क्योंकि ना बच्चे ये चीज़ें छोड़ते नहीं है और इसकी वजह से आंखों में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों के। और एक न्यूज़ में मैंने देखा है कि जितनी रोशनी बच्चों ने 2020 में खोई है ना, उतनी आज तक नहीं खोई है, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन हुआ था, स्कूल कॉलेज सारे बंद हो गए थे, तो बच्चे सारे मोबाइल पर टूट पड़े थे, इसी वजह से बच्चों ने सबसे ज़्यादा रोशनी खोई है उस साल में आंखों की। मैं तो क्या करूँ, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत खेलती हूँ उसके साथ में, फिर भी मैं 1 दिन में से 1-2 घंटे खेलती हूँ उसके साथ में, लेकिन फिर थोड़ा भी उसको छोड़ती हूँ ना, तो फिर वो मोबाइल टैब ले लेता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि जब से स्कूल शुरू है ना, तो बच्चों का टाइम थोड़ा स्कूल में जाने लगा है, अभी इस साल से तो सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा कम होता है, जब स्कूल में जाता है ना तो बहुत कम देखता है, टाइम ही नहीं मिलता है ना उसको। सुबह 10 बजे स्कूल होती है, तो फिर 3 बजे तक स्कूल में ही रहता है, उसके बाद आ जाता है थोड़ा खाना पीना, और फिर थोड़ा सा टैब वगैरह देखता है, और उसके बाद फिर शाम में जल्दी सो जाता है, तो उतना नहीं मिल लेता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है स्कूल जब होती है उसकी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, शाम के 5 बज गए हैं और मैं चाय बना रही हूँ अपने और खुशी के लिए, और खाना तो मुझे बनाना नहीं है क्योंकि ये कल का ही ब्लॉग है, कल सुबह मैंने जो धपाटे बनाए थे ना, तो बस वही उसी दिन का शाम का ब्लॉग है ये, तो मुझे खाना बनाना नहीं है, धपाटे है तो फिर वही खाएंगे बस। ऋषभ के लिए 1-2 मैं ताज़े ताज़े बना दूंगी, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि ज़रा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर सुबह का नहीं दे रही उसको, ताज़े 1-2 बना के दे दूंगी उसको। अभी बस चाय बना लूँगी, चाय पी लेंगे मैं और खुशी, और उसके बाद फिर ऋषभ को भूख लग गई है, तो उसको बना के दे रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे क्या किया मैंने, धपाटा बनाया है, थोड़ा सा अच्छे से पका लिया उसको, और उसके ऊपर फिर थोड़ा पिज्ज़ा सॉस वगैरह, मेयोनीज और चीज़ डाला है, और ये खुशी उसके अलग अलग चीज़ें डाल रही है, जो चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो वगैरह होते हैं ना, तो सारे डाल रही है, उसको पसंद आते हैं, खुशी को भी, और उसको भी खिलाती है, ऋषभ को भी उसी की तरह हो, तो यहाँ पे सब डाल दिया उसने, और मैं ऋषभ को दे देती हूँ। ऋषभ को भी ऐसी चटपटी चीज़ें ही पसंद आती है, ज़्यादातर सब्जी रोटी ना उसको पसंद आती नहीं है, 2-3 दिन में ना उसको कुछ चटपटा चाहिए होता है, तो उसको वो भी वेट कर रहा है, उसको भी भूख लग गई है। अभी 5:45 बज गए हैं और अभी खाते खाते 6:30 बज जाएंगे उसको, तो फिर उसके बाद में उसको खाना नहीं खिलाऊंगी, बस यही खाना है उसका रात का, क्योंकि जो धपाटी होती है ना, उतने पचने में उतने आसान नहीं होते हैं, तो जल्दी खा लेगा वो, तो अच्छी बात है, तबीयत भी ठीक नहीं है उसकी, तो अभी ऋषभ खा लेगा और हम फिर 7 साढ़े 7 बजे हम खा लेंगे। अभी तो मुझे किचन में कोई काम है नहीं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे रात के 9 बज गए हैं और हमारा सभी का खाना पीना सभी कुछ हो गया है, और यहाँ पे किचन की रात की सफाई कर रही हूँ मैं। वैसे तो ऋषभ के डैडी जल्दी आ गए थे, तो जल्दी खाना वाना हो गया था हमारा, तो तभी कर लेती काउंटर टॉप साफ, तो तभी हो जाता, लेकिन फिर क्या है ना, उतना साफ काउंटर मुझे नहीं मिलता है सुबह सुबह, फिर जितना अभी कर रही हूँ ना मैं, तो साफ मिलेगा ना मुझे, तो उतना जल्दी कर लेती हूँ ना तो नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ होता ही है किचन में, सोए तक कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो किचन ना थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, तो मैं लास्ट में करती हूँ किचन को साफ, तो तभी मुझे चकाचक किचन मिलता है सुबह सुबह, तो मुझे वही अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आ रहा है कि मैं मराठी में ब्लॉग बनाया करूँ, क्योंकि मैं मराठी ज़्यादा यूज़ करती हूँ बात करने में, तो देखिए क्या है, वैसे तो मेरे जो घर में बात करते हैं हम, तो हिंदी ही करते हैं, जो मातृभाषा है मेरी वो हिंदी ही है, हम सब घर में हिंदी बात करते हैं, लेकिन मैं इधर मराठवाड़ा साइड रहती हूँ, मराठवाड़ा है, तो शायद कुछ कुछ शब्द आ जाते होंगे मराठी, देखा जाए ना तो मुझे मराठी नहीं आती है, मतलब मुझे ना मराठी बिल्कुल भी नहीं आती है, मराठी जब बात करती हूँ ना मैं, तो बहुत अटकती हूँ बात करने में, क्योंकि मैं इधर आने को, मेरे को 20 साल हो गए हैं, लेकिन मैं एकदम कम निकलती हूँ बाहर, ज़्यादा फ्रेंड वगैरह नहीं है मेरे,
जो आजू बाजू रहते हैं ना, हमारे लेडीज़ के जो फ्रेंड्स रहती है ना कॉलोनी में वगैरह, तो ऐसे मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मैं घर में ज़्यादातर रहती हूँ, तो इस वजह से ना इधर की मराठी मुझे कभी आई नहीं, तो फिर मुझे मराठी नहीं आती है, तो मैं ज़्यादा बात करती नहीं हूँ बाहर, तो इधर की मराठी ना बिल्कुल अलग है, जैसे विदर्भ में मराठी होती है ना, तो वैसी मराठी नहीं है इधर, एकदम अलग है, तो मुझे नहीं आती है। पहले उधर की मराठी आती थी मुझे, लेकिन अभी इधर की मराठी मुझे आती है, थोड़ी थोड़ी आती है ना, तो इधर की आती है, तो सारा मिक्स हो जाता है और मुझे मराठी आती नहीं है। तो मैं जो लैंग्वेज घर में यूज़ करती हूँ बस वही मैं व्लॉग में यूज़ करती हूँ। हाँ, कुछ कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन बाकी बस जो घर में यूज़ करती हूँ वही व्लॉग में यूज़ करती हूँ। और एक दिन का नहीं है ना कि दिखावा कर लेंगे, दिखावा ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता है, एक दिन दो दिन दिखावा कर लेंगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक ना दिखावा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये दूसरा दिन है, सुबह की चाय बना रही हूँ मैं इनके लिए और मेरे लिए भी। तो मैंने क्या किया है, पहले उनको चाय दे दी है, और उनको ना वेट नहीं होता है चाय का, तो इनको मैंने दे दी। और मुझे ना ज़्यादा उबली हुई चाय पसंद है, तो मैंने अपने लिए थोड़े और ज़्यादा उबालने के लिए रख दी है गैस पर, थोड़ी देर उबालूंगी और उसके बाद चाय पीऊँगी मैं। और यहाँ पर ऋषभ उठ गया था जल्दी से, तो रोजी उठ जाता है जल्दी से वो, तो उसको आज एप्पल का शेक पीना है, तो उसके लिए फिर मैं एप्पल का शेक बना रही हूँ। और हाँ, आज भी छुट्टी है बच्चों को, आज क्या है, मुहर्रम है आज, तो आज भी छुट्टी है बच्चों को, तो बच्चे घर पर ही है, खुशी तो अभी उठी नहीं है। ऋषभ का ऐसा नहीं है, ऋषभ को छुट्टी हो या ना हो सुबह जल्दी से उठ जाता है वो, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम ही हो गया है उसका उठने का, कभी कभी तो मेरे पहले उठ जाता है वो, फिर वो मुझे उठाता है। तो चलिए, मैंने एप्पल को छील लिया है और यहाँ पर पॉट में दूध डाल दिया है, 1 गिलास बना रही हूँ, तो 1 गिलास दूध डाल दिया, 1.5 चम्मच शक्कर डाल दी और उसमें वेनिला एसेंस डाल दिया, और फिर एप्पल के टुकड़े बारीक बारीक कट करके डाल दूंगी। टुकड़े बारीक कट करने होते हैं, नहीं तो फिर बड़े टुकड़े करते हैं ना, तो फिर उसमें ना टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं, तो बारीक करते हैं ना, तो फिर अच्छे से पीस जाता है पूरा एप्पल। और ना वेनिला एसेंस हमेशा घर में रखती हूँ, वेनिला एसेंस होता है ना घर में, तो कोई भी शेक बनाने को ना बिल्कुल परेशानी नहीं होती है, कोई भी फ्रूट डाल दिया और दूध वगैरह डाल दिया और वेनिला डाल दिया ना, तो अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है ना, बच्चे खुशी खुशी पी लेते हैं उसको। तो चलिए, यहाँ पे एप्पल का शेक बन गया मेरा, अब ऋषभ को देकर आ जाती हूँ, तो फिर वो पी लेंगा तो थोड़ा सा शांत बैठेगा वो। और यहाँ पे खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल और गोभी की सब्जी और रोटी। तो कुकर मैंने लगा लिया है, दाल चावल लगा ली कुकर में, और यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ, आटा लगा के फिर गोभी की सब्जी बनानी है, तो गोभी कट कर लूँगी। और खाना जल्दी ही बनाना है आज मुझे, ऐसा नहीं है कि कुछ छुट्टी वगैरह है तो खाना देर से बनाए तो चलेगा, इनके लिए जल्दी ही बनाना पड़ता है मुझे खाना, 9 साढ़े 9 तक बिल्कुल तैयार चाहिए होता है खाना, कभी कभी तो 9 बजे तक ही चाहिए होता है उनको, 9:30 बजे तक तो रुकते भी नहीं है। अभी ऋषभ की स्कूल चालू हो गई है ना, मतलब वो ऋषभ को छोड़ रहे हैं ना स्कूल में, जब से तब से थोड़ा रुक रहे हैं, नहीं तो 8:45 बजे तक उनको खाना चाहिए होता था पहले। मेरा तो ऐसा एक दिन भी निकलता नहीं है कि मुझे सुबह के खाने से जो है थोड़ा सा लेट बनाऊंगी तो चलेगा या छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं होता है कभी, क्योंकि इनको ना त्यौहार हो छुट्टी हो कुछ भी हो, 9 साढ़े 9 बजे तक इनको खाना चाहिए होता है। और उनका ऐसा है कि पोहे वगैरह खाते नहीं है वो, उपमा वगैरह कुछ भी खाते नहीं है वो, तो उनको चाहिए होता है कि सब्जी रोटी चाहिए होती है, तो ना मैं पूरा खाना ही बना लेती हूँ, बार बार फिर कौन बनाएगा, अभी बनाओ बाद में बनाओ, तो फिर मैं एक ही बार में पूरा दिन का खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं सब्जी छोक रही थी कि ऋषभ आया, उसको आप पे खाने थे, तो फिर बैटर तो मैंने सुबह ही बना लिया था, उसको 10-15 मिनट भिगने देना होता है, तो मैं सुबह भिगा देती हूँ उसको, तो फिर मैंने साइड के गैस पे सब्जी का रख दिया और इस गैस पर मैं उसको आप पे बना के दे रही हूँ, उसको भूख लगी बोल रहा हो तो उसको पहले बना के दे देती हूँ, मतलब दोनों साथ में कर लेती हूँ, क्योंकि ये इनको भी चाहिए और उसको भी चाहिए, तो दोनों को दोनों काम एक साथ ही कर रही हूँ यहाँ पे। और सब्जी जो है नॉर्मल ही बना रही हूँ मैं, सूखी सब्जी बनाते हैं तो गोभी की, बस वैसी बना रही हूँ, बस लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी और मिर्ची पाउडर धनिया पाउडर हल्दी पाउडर बस ऐसे रेगुलर मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिया और फिर गोभी डाल दूंगी, तो सूखी सब्जी बस ऐसी ही बनाती हूँ गोभी की मैं, तो सब्जी डाल दूंगी इधर और इधर आप पे बनने के बाद में फिर रोटी बना लूंगी, क्योंकि ये भी तैयार हो गए हैं तो इनको भी फटाफट खाना चाहिए और ऋषभ को भी चाहिए, तो दोनों खाएंगे साथ में यहाँ पे। और इसी टाइम पर ना मौसी बाहर कपड़े धो रहे हैं, तो फिर वो धो के रख देंगे बकेट में वो, और मुझे फैलाने हैं ऊपर ले जाके उसको, क्योंकि बारिश आती जाती रह रही है ना, तो फिर गीले हो जाते हैं, तो ऊपर थोड़ी जगह है, तो वहाँ पे मैं खुद डाल के आ जाऊंगी। तो फ्रेंड, वीडियो को फिर यहीं पे रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है और फिर भी देख रहे हैं तो उनको भी थैंक यू। तो फ्रेंड, मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।